सिस्टर का नाम अमन है और जवेर के रहने वाले हैं और सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। जिस सिस्टर की गवाही जे जो बता रहे कि 23 दिसंबर के दिन जिस सिस्टर के ऐसे एक हालात आ गया जो बता रहे कि इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जो बहुत परेशान थे क्योंकि जो सिस्टर अभी इनको भी 1.5 महीना हुआ है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और जैसे ही इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और जैसे इनके लिए प्रार्थना की गई, इनको उत्साहित भी किया गया, पर जैसे ही सुबह इन्होंने कॉल की और फिर से शाम को इन्होंने फिर कॉल की कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं बिल्कुल सही नहीं हो रही और अगले दिन ही नेक्स्ट इनका जे ETT डिप्लोमा कर रहे हैं और उसका इन्होंने एग्ज़ाम देना था और तरन तारण जाना था और जिसके कारण इनकी मदर काफ़ी डर गए थे कि कल इसका एग्ज़ाम है और जे बहुत परेशान है, जे अपने एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती जैसी इसकी कंडीशन है। और जैसे इनको उत्साहित किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपके साथ है, पर इनका मन विश्वास नहीं था बन रहा। और जैसे इनकी बात प्रभु के दास के साथ हुई और जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया, विश्वास दिया कि जैसे कल एग्जाम है आपने जाना है, डरना नहीं है। और नेक्स्ट डे इनके साथ फिर प्रभु के दास के साथ वार्निंग टाइम इनकी बात हुई और इनके लिए प्रार्थना की गई और जैसे जैसे सिस्टर विश्वास किया, जैसे जो वर्ड प्रभु के दास के मुख से आया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है और आपने जाना ही है अपना एग्जाम देने के लिए, और जैसे जी इस वर्ड को लेकर अपने एग्जाम देने के लिए चले गए, पर इन्होंने बताया कि रास्ते में भी फिर से वही प्रॉब्लम तो आई, रास्ते में भी इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जैसे इसका एग्जाम जो 1.5 घंटे का था उसमें भी इनको काफी प्रॉब्लम तो आई, पर जो वर्ड जो वचन प्रभु के दास के मुख से इनको मिला था, जिस वर्ड पर खड़े रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इस सिस्टर ने बताया कि प्रॉब्लम तो आई पर जिस सिस्टर ने जो एग्जाम था बहुत ही बढ़िया देकर आई और जैसे जो घर वापस आई फिर से जो वही प्रॉब्लम इनके जीवन में थी, पर जे धन्यवाद में बने रहे कि अगर परमेश्वर मैंने एग्जाम अच्छा दे दिया तो इस प्रॉब्लम से आप मुझे अच्छा कर चुके हो। पर इन्होंने बताया कि जे अपनी गवाही देना चाहते थे क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा रखा, इनको संभाल कर रखा। और जैसे ही कल इन्होंने अपनी गवाही को लिखवाना था मंगलवार, फिर इस सिस्टर के जीवन में यही प्रॉब्लम आ गई, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और जैसे इन्होंने फिर प्रेयर टावर में कॉल की, प्रार्थना कराई, पर थोड़ी प्रॉब्लम अच्छी हुई, पर फिर से प्रॉब्लम वापस इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई सांस लेने में। और जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, हम अपनी गवाही नहीं देंगे क्योंकि जो हमारी बेटी है जो तो अच्छी नहीं हो रही क्योंकि फिर से जो हालात इसके जीवन में आ गए और जिसके कारण इनका मन इनको दोष लगा रहा था। और जैसे फिर इनकी बात प्रभु के दास के साथ हुई और उन्होंने इनको उत्साहित किया वचन के साथ और बताया कि जिस बात में आपका मन आपको दोष लगा रहा है निश्चय आज अपनी गवाही देना, और जैसे इनको उत्साहित किया गया और आज ही अपनी गवाही दे रहे हैं। और रात उस दिन से जैसे मंगलवार इनकी बात हुई और कल बुधवार फिर प्रभु के दास के साथ इनकी बात हुई, इनको उत्साहित किया गया, तो फिर उन्होंने अपनी जो गवाही थी इन्होंने लिखाई और परमेश्वर ने अभी इस बेटी को बिल्कुल इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है और ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनकी बेटी को संभाल कर रखा और जो इनका मन इनको दोष लगा रहा था गवाही देने के लिए भी उससे भी परमेश्वर ने इनको मन को अच्छा किया और ये बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। अमनदीप, आपके एरिया का नाम क्या है? वीर का। अब कौन सा कोर्स कर रहे हो? जो ETT आप आज अपनी इसकी टेस्टिमनी सुनी ना? सुनी के नहीं सुनी? बोलो क्या है? सुनी, क्योंकि शैतान बहुत क्या है, क्लेवर है, बहुत चतुर है। बोलो क्या है? बहुत चतुर है और वो हमेशा ही आपको क्या बनाएगा? बुद्धू बनाता ना, ऐसे ही अपनी बातों से हालात खड़ा करेगा, वो कुछ दिखाएगा। हाँ, समझ आ रही ना? परमेश्वर ने उस दिन अपनी टेस्टिमनी सुनी कि खुदावंद ने काम किया, क्योंकि ये जो कोर्स कर रही उसका एग्जाम था, टेस्ट था, जिस जो इसने देना था और शैतान ने रेड सिग्नल दिया, हालात को खड़ा किया कि ये अपना टेस्ट ना दे, ये कुछ बन ना पाए, ऐसा ना हो कि ये प्रभु में कल को
ये ऊंची पदवी पाए और खुदा का नाम ऊंचा हो। समझ आ रही? क्योंकि पढ़ने लिखने में ये बहुत बच्ची इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, पर शैतान क्या करता है, रोकता है। उसने रेड सिग्नल दिया, ये जो हालात है इसकी सांस फूलने का उसने फिर से ज्यादा कर दिया। हाँ, प्रेयर हुई, प्रेयर टावर में कॉल की, प्रार्थना तो हुई, मगर वो फिर से वो ऐसा ही बना। बोलो क्या है? जब मेरे से बात हुई तो मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने उत्साहित किया, मैंने कहा कुछ नहीं है। इसकी मम्मा को मैंने बोला कि इसको बोलो कि आपने इसे लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? इसको अपनी, इसको भेजना है। आपके मम्मा भी साथ जाते हैं ना आपके, तो अपने इनके साथ इन्हें लेकर जाना है। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है। बस में भी प्रॉब्लम आई, जब टेस्ट देने के लिए एग्जाम में बैठी तब भी प्रॉब्लम, पर पेपर तो अच्छा हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा हुआ, है ना? पर सब कुछ अच्छा होगा, खुदा की महिमा हुई। जो कुछ मैंने उत्साहित किया, क्या किया? जो कुछ मैंने उत्साहित किया सब कुछ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। पर अब बीच में क्या प्रॉब्लम आ गई? अब खुदा की महिमा करनी है तो फिर से शैतान इसके ऊपर हालात लेकर आ रहे हैं, और जो गवाही खुदा ने जो काम किया है, अब शैतान इनके मन को रोक रहा है। क्या कर रहा है? कि ये खुदा की महिमा न करें, फिर से हालात आ गया और अब शैतान मन खराब कर रहा है कि गवाही ना। तब तक ये पूरी तरह सही होगी हम गवाही नहीं देंगे। कल की बात है ना, कल की के परसों की, उसके माइक को चलाऊं, उसके माइक को बेटी। ये दूसरे वाले माइक को चलाओ भाई। मंगलवार की बात थी। तो जब मेरे से बात हुई तो मैंने फिर से उत्साहित किया। क्या किया? मैंने फिर से उत्साहित किया, इनका मन उच्चा हुआ, मन तैयार हुआ। क्या हुआ? और आज आपके सामने ये गवाही दे रहे हैं, और अब इस बात की शैतान को बहुत जलन हो रही है। क्या हो रही है? अब शैतान को जलन हो रही है कि मैंने तो रोका था। क्या रोका था? मैंने तो रोका था। पर शैतान ऐसे ही आपको रोकता है। क्या करता है? कभी कभी कुछ चीजें के लिए आपके मन को ऐसे रोकेगा, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ, तो रोकता है। क्या करता है वो रोकता है। इसलिए मैं, जैसे मैंने संडे बताया ना, कि जब शैतान आपको कुछ रोके, कुछ भी है, तो ज्यादा करो। बोलो क्या? अगर आपका मन मीटिंग में आने को ना करे तो ज्यादा हो। क्या हो? अगर प्रार्थना करने को मन ना करो तो फिर ज्यादा बैठो, मांगो खुदा से। अगर बाइबल पढ़ने को मन ना करे, कुछ भी ऐसे चीजें अगर रोके, आपके मन में शैतान कुछ चीजों को डाल रहा है, तो वो ज्यादा करो, वही आपकी ब्लेसिंग है। आमीन। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब समझ आ रही है? अब समझ आ रही है ना? क्या कह रहे? पापा, इन्होंने कुछ बताना है। हाँ, बताओ बताओ। पापा, ये उस दिन जड़ा मेरा एग्जाम थी ना, हो भी माइक की आवाज करो थोड़ा। डेढ़ घंटा पहले ही हो गया जी, 3 घंटे का एग्जाम। देखो देखो, तीन घंटे का टाइम था। हाँ जी, डेढ़ घंटा पहले ही हो गया। डेढ़ घंटा पहले ही हो गया। देखो परमेश्वर की सामर्थ जब काम करती है। हाँ, क्योंकि वर्ड अगर देता है खुदावंत तो ऐसे नहीं वो काम करता है। अभी 3 घंटे का समय है, मगर कंप्लीट पेपर कितने समय में कर लिया? सिर्फ 1.5 घंटे। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्यों से नहीं पर किससे सब कुछ हो सकता है। किससे सब कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है उससे। पर कभी कभी शैतान हमें अपनी बातों में फंसाता है। क्या करता है? हमें फंसाता है वो अपनी बातों में, मगर फंसना नहीं।